हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक करंट अफेयर, बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, नेफ्टली बेनेट। इन्होंने इसराइल के फॉर्मर PM बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस किया है, जो कि अब तक इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे। नेतन्याहू पिछले 12 साल से इसराइल की सत्ता में थे। इनके सत्ता खोने का एक मेन रीज़न उन पर चल रहे धोखाधड़ी के चार्जेस हैं, जिस वजह से इस साल मार्च में हुए आम चुनाव में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नए PM बेनेट को 8 विपक्षी दलों के गठबंधन का समर्थन प्राप्त हुआ है। रविवार को इसराइल के संसद में हुए विश्वास मत के दौरान 60 प्रतिनिधियों ने गठबंधन को वोट दिया, जबकि नेतन्याहू को 49 वोट मिले। पिछले 2 साल में ये एक बड़ा अन्यायकारी फैसला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल एक यहूदी राष्ट्र है और बेनेट यहूदी राष्ट्र राज्य के एक मजबूत अधिवक्ता हैं। इन्होंने वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम, गोलान हाइट्स और इसराइल सीरिया बॉर्डर के पास ऐतिहासिक और धार्मिक दावों पर जोर दिया है, जिस पर 1967 के बाद से इसराइल का कब्जा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।